भी निर्दोष की हत्या हो तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है। लगातार हत्या हो रहा है, 20 घंटा बीत गया है, 20 घंटा हो गया घटना का, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर अभी हालचाल पूछने तक नहीं आया। दोस्तों, वायरल गर्ल रंजीता कुमारी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे मनीष कश्यप, रंजीता के परिवार का किया मदद। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों, यूपी की वायरल गर्ल रंजीता कुमारी जो कि सोशल मीडिया पर अपने रोने की वीडियोस बनाकर फेमस हो गई, कई सारे यूट्यूब चैनल पर रंजीता को बुलाया गया और साथ ही साथ इनको ना सिर्फ मान सम्मान मिला बल्कि ये धीरे धीरे करके पॉपुलर भी होने लग गई थी। लेकिन इसी बीच अचानक से एक खबर आई कि रंजीता अब नहीं रही, जिससे पूरी तरह से हड़कंप मच गया और हर कोई आखिरकार जानना चाहता था कि रंजीता के साथ क्या हुआ है। इसी बीच दोस्तों, आपको बता दें, मनीष कश्यप जो हैं वो अब रंजीता के घर पर पहुंचे हैं और ना सिर्फ मनीष कश्यप ने रंजीता को देखा है बल्कि मनीष कश्यप रंजीता की फैमिली से भी मिले हैं और मनीष कश्यप ने रंजीता की फैमिली का हाल खुद मीडिया में आकर सामने आकर बताया है। उन्होंने बताया है कि रंजीता की जो फैमिली है उनका रो रो कर काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। रंजीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी पिछले कुछ दिनों से, ऐसा फैमिली वाला का कहना है। और तो और फैमिली वालों ने यह भी कहा है कि रंजीता इसी वजह से अक्सर फूट फूट कर रोया करती थी। दोस्तों, मनीष कश्यप ने जो बातें कही हैं वो यकीनन पूरी तरह से सही होंगी, क्योंकि मनीष कश्यप इतने बड़े न्यूज़ एंकर हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि जो रंजीता की फैमिली है उनको मनीष कश्यप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर मनीष कश्यप ऐसा कर देते हैं और रंजीता की फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।